मध्य प्रदेश के सागर जिले में बारिश के बीच अब सड़कों पर हादसों का सिलसिला शुरू हो गया है। आलम यह है कि आए दिन जिले से सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही हादसा सागर जिले के देवरी अंतर्गत नेशनल हाईवे 44 से सामने आया है, जहां हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। अब आपके शहर सागर में डाइट रेस्टोरेंट सुविधा के साथ अनुभवी ट्रेनरों सहित जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम, पता याद रखें, राजघाट रोड तिली वार्ड सागर मध्य प्रदेश। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 44 फोन लाइन घुघरी तिराहे के पास एक स्कूटी सवार दो युवकों को तेज रफ्तार कंटेनर ने कुचल दिया, जिससे दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं टक्कर इतनी भीषण थी कि करीब 100 मीटर तक दोनों युवकों की लाश के टुकड़े टुकड़े सड़क पर शतभिषित हालत में बिखरे नजर आए और स्कूटी के फरकच्छे उड़ गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी उपमा सिंह ने बताया कि तेज रफ्तार कंटेनर ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। हमें सूचना मिली थी कि आईटीआई पुल के पास में दो लोगों का एक्सीडेंट हुआ, यहां आकर देखा तो दो लोग खत्म हो गए हैं और एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। ये किसी एक्टिवा स्कूटी जैसी गाड़ी है उससे थे, अभी आइडेंटिफाई नहीं। फिलहाल दोनों युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस की माने तो स्कूटी का नंबर संतोष पटेरिया खमरिया रहली का होना बताया जा रहा है और पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई है। अनुराग विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, देवरी। अब आपके शहर सागर में छत्रपति शिवाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर 24 घंटे आपातकालीन सुविधा उपलब्ध, समस्त बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं ऑपरेशन, तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज रोड द्वारका बिहार चौराहा सागर मध्य प्रदेश।